रहते हैं मेरे गांव में। दोस्तों, आपने इनको सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा और आपके मन में ये ख्याल भी आया होगा कि आखिर ये दोनों है कौन, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। इनके वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, बहुत लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे वीडियो में नजर आ रहे इस कपल के बारे में, आखिर इनमें रिश्ता क्या है और इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। इस वीडियो में नजर आने वाली इस लड़की का नाम राजू है और लोग इन्हें राजू दीदी कहकर बुलाते हैं, और जो लड़का इनके साथ है उसका नाम पनराज है। इनकी इसी कहानी को जानने से पहले जान लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन। राजू दीदी का जन्म पंजाब के एक गांव दोहरा पिंड में हुआ था। इनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है और इनकी फैमिली में माँ और इनके 3 बच्चे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजू दीदी मैरिड है और इनके 3 बच्चे हैं। ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। दरअसल राजू दीदी बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ इनकी माँ दूसरों के घरों में काम करके गुजारा किया करती थी, जिस वजह से राजू दीदी की काफी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। शादी और यहाँ तक कि बच्चे हो जाने के बाद भी इनके हस्बैंड और इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इनके हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है। वेल फ्रेंड्स, पनराज रंधावा की मुलाकात के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं पनराज रंधावा के बारे में। 24 अगस्त 2000 को पंजाब के उसी गांव दोहरा में पनराज का जन्म हुआ। ये हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसमें ये अपनी मम्मी पापा और एक बहन के साथ रहते हैं। पनराज आज 22 साल के हैं और इनकी बड़ी बहन भी है जिसका नाम राविया है, जिसकी शादी हो चुकी है और वो भी रील वीडियो बनाती हैं। पनराज जब स्कूल में थे तो उनका एक सपना था कि वो कनाडा से ग्रेजुएशन करे और अपना मॉडलिंग करियर बनाए, क्योंकि पनराज को मॉडलिंग और एक्टिंग का काफी ज्यादा शौक था। लेकिन उस टाइम वो कनाडा नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ एक्टिंग करने का ट्राई किया। तब फिर उन्होंने टिकटॉक को बेहतर प्लेटफॉर्म समझा, टिकटॉक पर लिपसिंग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनके सिंगल वीडियो वायरल नहीं होते थे, ये अपनी बहन के साथ भी वीडियो बनाने लगे लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन इन्होंने जब राजू दीदी के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब इनके वीडियो वायरल होने लगे। पनराज और राजू दीदी का ये सफर भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। तो चलिए जानते हैं इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। दरअसल राजू दीदी उसी गांव से बिलोंग करती है जहां से पनराज रंधावा बिलोंग करते हैं। राजू दीदी की मदर बहुत पहले से पनराज के घर में काम किया करती थी। वो बूढ़ी हो गई थी और उनसे ज्यादा काम नहीं हो रहा था, और एक बार काफी लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से राजू दीदी को पनराज के घर काम करने जाना पड़ा, और ऐसे ही पनराज और राजू दीदी की मुलाकात हुई। पनराज उस टाइम टिकटॉक वीडियो बनाते थे, तब उन्होंने राजू दीदी से उनके साथ वीडियो बनाने के लिए कहा। हालांकि राजू दीदी उस टाइम इस बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उन्हें ये चीज इंटरेस्टिंग लगती थी तो उन्होंने वीडियो बनाने के लिए हाँ कर दिया। तब उन्होंने टिकटॉक पर पहला वीडियो शूट किया, और जहां पनराज को टिकटॉक पर पहले कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता था, वहां राजू दीदी के साथ वीडियो बनाने पर उनकी पहली ही वीडियो वायरल हो गई। तब उन्होंने साथ में कई वीडियो बनाए और इनके मोस्टली वीडियो वायरल हुए और ये टिकटॉक पे वायरल हो गए। इनकी टिकटॉक पर मिलियंस में फ्रेंड फॉलोइंग हो गई थी, लेकिन फिर हो गया टिकटॉक बैन। लेकिन इससे इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये यूट्यूब पे व्लॉग और इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे थे। ये दिन ब दिन पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन लोगों को इनकी वीडियो देखकर ये सवाल सामने आता कि इनका रिश्ता क्या है, क्या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड वाइफ, ऐसे बहुत से सवाल लोग इनसे पूछा करते। तब फिर पनराज ने अपने ब्लॉग वीडियो में बताया कि राजू दीदी उनके परिवार से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं और पनराज उनको बहन मानते हैं। इनके बीच ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है और ना ही कुछ और, इनमें भाई बहन का रिश्ता है और राजू दीदी तो पहले से शादीशुदा है। हालांकि वो हस्बैंड के साथ नहीं रहती क्योंकि उनके हस्बैंड शराब पीते हैं और राजू दीदी के साथ उनका व्यवहार बुरा है, और राजू दीदी के 3 बच्चे भी हैं जिसका पालन पोषण वो अकेले ही कर रही हैं। और तब फिर उनके वीडियो वायरल रहने लगे और अच्छी खासी इनकम होने लगी। तब फिर पनराज राजू दीदी के बच्चों का भी ख्याल रखने लगे। पनराज इन्हें 3 बच्चों का खर्चा उठाते हैं और इनकी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे पा रहे हैं। और अब राजू दीदी अपने 3 बच्चों और माँ के साथ अकेले रहती है और फिलहाल यूट्यूब पे ब्लॉगिंग चैनल चला रही है। और अब राजू दीदी और पनराज साथ में कम ही दिखते हैं और मिलते भी कम ही हैं, क्योंकि पनराज अपने सपनों को पूरा करने कनाडा चले गए हैं, जिस वजह से ये साथ में वीडियो नहीं बना पा रहे। वेल फ्रेंड्स, ये थी कहानी पनराज रंधावा और राजू दीदी की। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई शिकायत और सजेशन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।